हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस देखिए, आज आपके लिए एक अद्भुत भी नहीं कह सकते, रहस्यमय जगह में लेके आए हैं, जंगलों के बीचों बीच, जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भालू एक इंसान के पीछे पेड़ पर चढ़ गया था। तो उसने यहाँ पे उसे भालू से बचने के लिए यहाँ की जो जुनगा देवी है उसको कहा था कि क्या बोलते वो इस भालू से बचाए, अगर उसमें शक्ति है तो। इतना बोलते ही उसमें ये भालू वहाँ पे लकड़ी का बन गया पेड़ में। तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है देखने के लिए, काफ़ी प्यारी जगह है और रहस्यमय जगह है। तो आपको इसका व्यू हम दिखा रहे हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो आइए आपको इसका व्यू दिखाते हैं, कितना प्यारा है। देखिए देखिए, तो ये भी कुछ चमत्कार से कम नहीं है। हमने खुद साक्षात ये चीज़ें देखी है, आप लोग को भी इसको दिखा रहे हैं। ये आप लोग जैसा कि गाइस, हमने यहाँ के जो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी है, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया है कि ये काफ़ी पुराने समय की बात है, काफ़ी पुराने समय की बात है ये। तो ऐसी घटनाएं सच में हुई थी, ये रहस्यमय ये घटना है, बहुत पुरानी घटना है। तो जो ये भालू देखो पेड़ में ही पेड़ में, तो मेरे लिए तो बहुत ही चमत्कार से भी कुछ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। तो आप अपने आप को देखिए और इसका व्यू दर्शन भी करिए, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी जगह लगी मुझे। तो मैं आप लोग को भी दिखा रहा हूँ ये चीज़। तो यहाँ मैं है और काफ़ी अद्भुत और क्या बताएं आपको, ये चमत्कार से कोई कम चीज़ नहीं है और ये एक रियलिटी और सच चीज़। देवस्थान भी है काफ़ी पुराना, जहाँ पे ये भालू पेड़ में चढ़ गया था एक इंसान के पीछे उसकी जान लेने के लिए। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है कि उस इंसान ने यहाँ में अपनी जो यहाँ की इष्ट देवी है उसे कहा था कि अगर उसमें शक्ति है तो वो उस भालू से मुझे बचाए। तो उसी टाइम ये भालू लकड़ी का बन गया। तो ये भी आप देख सकते हैं भालू, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं भालू बन गया था, वो भी जान के पीछे बन गया था। तो आप देख सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से देखना है, लाइक करना है, तो आपने वहाँ पर जिंदा पेड़ काफ़ी पुराना है। तो यहाँ की मान्यता है, यहाँ के लोग बताते हैं ये पेड़ काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से ये पेड़ यहाँ पे है। तो वैसा का वैसा ही है पेड़, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, चारों तरफ जंगल है,